जैसे एक्शन, क्या मूवी में एंटर करेगी साउथ की हीरोइन? क्यों बदला गया फिल्म का नाम जवान से सनकी में? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं श्रीशा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। दोस्तों, आप सब ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि फिल्म सनकी के डायरेक्टर एटली कुमार साउथ बेस्ड डायरेक्टर हैं और फिल्म में एसआरके का लुक भी सनकी किरदार साथ दिखाया गया है। ऐसे में कई लोगों का ये कहना है कि फिल्म में एसआरके का लुक और एक्शन चेन्नई एक्सप्रेस से मिलते जुलते होंगे, क्योंकि इसी फिल्म में एसआरके लुंगी पहनते हुए नजर आ सकते हैं। कन्फर्म बात तो नहीं है, लेकिन सारी बातें चर्चा में है कि फिल्म में एसआरके एक हथियार के साथ लुंगी पहने नजर आ सकते हैं, जिससे उनके लुक को एक खतरनाक पहचान मिल सकती है। फिल्म बनने से पहले फिल्म का नाम जवान से फेमस था। सबका उस समय ये मानना था कि इस फिल्म में एसआरके का किरदार एक मिलिट्री मैन बेस्ड होगा, क्योंकि कई जगहों पे एसआरके का एक आर्मी ड्रेस में पोस्टर भी लीक हुआ था। लेकिन अब मेकर्स की बात पे विश्वास करें तो फिल्म का नाम जवान से बदलकर सनकी रख दिया गया है, क्योंकि दोस्तों फिल्म में सनकी जैसे ही एसआरके का किरदार है। जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, एसआरके का किरदार फिल्म में हर बार से थोड़ा अलग देखने को मिलेगा। इस फिल्म में एसआरके का गुस्से वाला किरदार ऑडियंस को देखने को मिलेगा। तो इसी किरदार को पेश करते हुए फिल्म मेकर्स ने फिल्म को सनकी टाइटल देने का डिसीजन लिया, क्योंकि वो खुद टाइटल कुछ हट के रखना चाहते थे, जिससे ऑडियंस के अंदाजा लगा सके कि फिल्म में एसआरके का कैसा किरदार होगा। और ये सब हुआ भी फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही। जब सबसे ट्रेलर का रिव्यू पूछा गया तो जनता ने बोला कि इस फिल्म में एसआरके का किरदार कुछ सनकी की तरह होने वाला है। दोस्तों, हम सभी ये बातें जानते हैं कि फिल्म की लीडिंग हीरोइन दीपिका पादुकोण है, लेकिन अगर फिल्म में साउथ की हीरोइन की भी एंट्री हो जाती है तो फिल्म और भी सुपरहिट बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एटली कुमार फिल्म में किसी भी लीडिंग साउथ एक्ट्रेस को ले आ सकते हैं, जिससे फिल्म को चार्म और दीवानगी सिर्फ नॉर्थ में ही नहीं बल्कि साउथ में भी बढ़ जाएगी और फिल्म को अधिक मात्रा में प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आप कौन सी साउथ की हीरोइन को फिल्म में देखना पसंद करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक सेफ रहें, खुश रहें।